दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं अंकित कुमार श्रॉफ आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो पे आने के लिए। आज हम उन टॉपिक पे ऊपर डिस्कस करने वाले जो देश के अंदर बहुत ही तेज़ी से चल रही है, जिस इंडस्ट्री का नाम है, जी हाँ, डायरेक्शन इंडस्ट्रीज, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज। आज बढ़ते एंड बदलते दुनिया के अंदर आज बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके अंदर दुनिया में एंड इंडिया का सबसे बड़ा रोजगार देने का प्लेटफॉर्म आज डायरेक्शन इंडस्ट्रीज के नाम जाता है। सबसे ज़्यादा बेरोजगार को रोजगार करने का अवसर एंड सभी को रोजगार देने का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा अगर कोई है तो वह है डायरेक्शन इंडस्ट्रीज। जी हाँ, आज सभी और बेरोजगारी इतना बढ़ रही है कि लोग आज डायरेक्शन इंडस्ट्रीज को चूज कर रहे हैं। डायरेक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर आज बहुत सारे लोग आते हैं अपने सपने को लेकर और इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस के अंदर अपने सपने को लेकर आते हैं, एज ए कैरियर इस बिजनेस को करते हैं, और करने के बाद कुछ रीज़न से, कुछ कंपनीज के लापरवाही से, या बिजनेस को बिना सोचे समझे, बिना लॉन्ग टर्म देखे को स्टार्ट करने के बाद एक आने वाले टाइम के अंदर, सर्टेन पीरियड के बाद उसकी फ्यूचर ख़त्म हो जाती है डायरेक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर। तो कैसे डायरेक्शन इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने से पहले आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से उसको देखे जिससे आने टाइम के अंदर उसको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो मैं आज इस दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूँ कि किसी भी कंपनी को कैसे प्राइमरी लेवल पे आइडेंटिफाई करें कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म जाने वाली है या शॉर्ट टर्म जाने वाली है, उसके अंदर आपका फ्यूचर बनने वाला है या नहीं बनने वाला। कंपनी के फ्यूचर के साथ साथ आपका फ्यूचर तय करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कंपनी की फ्यूचर किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो ऑफकोर्स इस वीडियो पर जमे रहिए, बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, तब समझ में आएगा आपको कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। तो 5 P ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को प्राइमरी लेवल पे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहला जो पी है हमारा वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात की जाए तो किसी कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। प्रोडक्ट किसी कंपनी का एक बैकबोन होता है। प्रोडक्ट सेलिंग के बाद ही जनरेट होती है इनकम। इनकम से ही किसी एम्प्लॉयज को, किसी बिजनेसमैन को प्रॉफिट आता है या सैलरीज आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात की जाए तो उस कंपनी की खुद की प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट खुद की मैन्युफैक्चरिंग की हो जानी चाहिए, और रही बात खुद का होना चाहिए, टैग लेवल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए कि किसी कंपनीज के अंदर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को टैग करके वो कंपनी चला रही है। तो समझ जाओ उस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अगर सामने वाला प्रोडक्ट देना मना कर दिया तो आपके प्रोडक्ट ख़त्म होने से, आपके कंपनी से प्रोडक्ट जाने से आपका मार्केट वैल्यू डाउन होगा, जिसके कारण आपकी बिजनेस बंद भी हो सकती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पर एक राम नाम का लड़का है और एक श्याम नाम का लड़का है। राम नाम का लड़का एक कंपनी को ओपन करता है और उसको जरूरत पड़ती है एक ब्रांड की, जो ब्रांड उसका खुद का नहीं है। किसी श्याम नाम के लड़के के पास एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसके पास जाकर उस ब्रांड को एग्रीमेंट करके एंड लाइसेंस लेता है 1 साल के लिए, और लेने के बाद वो अपनी कंपनीज के अंदर बेचना स्टार्ट करता है। बेचते बेचते जैसे जैसे टाइम गुजरती जाती है, हर साल रिन्यू करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। एक समय ऐसा आता है 5-6 साल बाद, जब वो नेक्स्ट टाइम जाता है रिन्यू कराने के लिए, तो सामने वाला पर्सन एक ऐसी अमाउंट की डिमांड करता है जो कि राम देने में असमर्थ हो जाता है, नहीं दे पाता है, जिसके कारण अगले टाइम से उनको ब्रांड नहीं मिलती है वहाँ से, जिसके कारण उसकी कंपनीज क्लोज हो जाती है। विदाउट ब्रांड कंपनी चल नहीं सकती, विदाउट प्रोडक्ट कंपनी चल नहीं सकता। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दूसरी कंपनी किसी और कंपनी के ब्रांड के पास जाए और वहाँ से प्रोडक्ट लेने के बाद वो अपने कंपनी बेचना स्टार्ट करे और बेचकर वो पैसे कमाना स्टार्ट करे। तो सेकेंड चीज़ ये कि किसी भी कंपनीज की आप सबसे पहले इंटर करने से पहले उसकी प्रोडक्शन देखिए, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट खुद की है, वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। अगर अवेलेबल है तो आप समझ सकते हो कि आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएगा। अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ आपके पास ही मिलता है तब आप, या आपकी इंडस्ट्री से ही मिलता है तो आपके पास लोग खरीदने आएंगे, आपके पास या आपकी इंडस्ट्रीज के पास, तो आपका इंडस्ट्री ग्रो करने वाला है, ग्रो करने के बाद आपका बिजनेस फ्यूचर भी बिजनेस कंपनी के साथ साथ बनने वाला है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें उसके प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट कंपनी खुद का होना चाहिए, किसी और के टैग लेवल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी कंपनीज सभी कंपनी के अंदर खुद की प्रोडक्ट हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 100% श्योर होकर, सिक्योर होकर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट को देखिए। कोई कंपनीज ऐसी भी मार्केट के अंदर है जो प्रोडक्ट को टैग करके चल रही है और वो अच्छी खासी इनकम कंपनी दे रही है, अच्छे खासे से काम कर रही है, अगर 20 साल से 25 साल से काम कर रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कंपनी खुद की प्रोडक्ट ही रखे, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट करता है। कि नेक्स्ट पी पे जो हमारा नेक्स्ट पी है उसको बताएंगे तो पता चल जाएगा आपको हर चीज़। तो कंपनी
के अंदर अगर 100% सिक्योर होकर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कंपनी की खुद की प्रोडक्ट को देख लीजिए, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद कंपनी के प्रोडक्ट भी अगर टैगेबल है, अगर टैग किया हुआ है तो उस कंपनी के अंदर ही फ्यूचर होती है। बाकी और भी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी ही होती है तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, क्लियर, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप 100% सिक्योर करना चाहते हैं तो कंपनी खुद की प्रोडक्ट देखिए। नेक्स्ट पी हम चलते हैं, सेकेंड पी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है प्रोडक्ट एंड प्राइस। फर्स्ट पी इज़ प्रोडक्ट एंड सेकेंड पी इज़ प्राइस। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। प्राइस स्पेसिफिक होना चाहिए और एक नॉर्मल रेट पर मिलना चाहिए, जेन्यून रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हाई रेट, ऐसा रेट कि जिस रेट पे एक नॉर्मल इंसान खरीद ना पाए। ऐसी प्राइस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर होनी चाहिए, जो प्राइस मार्केट के अंदर जिस प्राइस पे सामान बिकते हैं वही प्राइस होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तभी लोग यहाँ पे आके खरीदेंगे और आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो आप समझ सकते हो कोई भी मार्केट के अंदर जो भी कंपनी के अंदर जा रहे हैं उसके प्रोडक्ट की प्राइस देखिए। प्राइस अगर हाई है उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, क्वालिटीज़ देखिए, राइट, अगर उसके प्राइस आइडेंटिफाई कीजिए। प्राइस अगर हाई है जो क्वालिटी के अनुसार नहीं है तो उस प्राइस उस कंपनी के अंदर आप सावधान हो जाए, उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करें। वो कंपनी प्रोडक्ट की आर में मनी सर्कुलेशन कर रही है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की ISO देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को क्वालिटी एंड क्वान्टिटी चेक करके प्राइस रेंज देती है, उस रेंज के अंदर उसको कंपनी को बेचना होता है। अगर कंपनी के अंदर ISO नहीं है तो वो कंपनी किसी भी रेट पर बेचेगी मार्केट के अंदर और बेचकर पैसे इकट्ठे करके भाग जाएगी। तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले आप देखिए प्रोडक्ट की प्राइस, जो आपके प्रोडक्ट को एक नॉर्मल पर्सन भी आम इंसान भी खरीद पाए विदाउट एनी अपॉर्चुनिटीज़। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो प्रोडक्ट बेस्ट होता है और उस प्रोडक्ट को प्रमोशंस करना बहुत ही आसान होती है। देन नेक्स्ट पी जो आता है, थर्ड पी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तब आएगी जब एक जेन्यून प्राइस पे कोई प्रोडक्ट बिकेगा और जेन्यून इनकम आएगी, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, लीगल टाइप से प्रॉफिट। मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस जैसे मैंने बताया कि एक हाई प्रॉफिट प्रोवाइड करती है बहुत सारी कंपनी, और उसको देखकर बहुत सारे लालच में ज्वाइन कर जाते हैं बिजनेस को। तो चलो ज्वाइन करना तो बहुत ज़रूरी, ज्वाइन तो कर गया, अपॉर्चुनिटीज मिल गया, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन सामने आने वाला पर्सन अगर कस्टमर कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि 2000 का प्रोडक्ट आप 20000 में बेच रहे हो, 1500 का प्रोडक्ट 15000 में बेच रहे हो, तो ये क्या है कि कस्टमर सिर्फ पैसे वाले ही आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, और पैसे वाले होंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही क्यों खरीदेंगे। बाहर में एडिडास, पुमा, नाइकी, ज़ारा बहुत सारे ब्रांड है, जो बड़े बड़े ब्रांड है उससे खरीदेंगे लोग। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज लेने आ रहे हैं, रोजगार पाने आ रहे हैं लोग, तो रोजगार पाने के लिए एक नॉर्मल हम प्रोडक्ट सेलिंग उसके साथ करते हैं, उसके साथ साथ हम भी कमाते हैं और उसको भी कमाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं कि 10-20 लाख लेकर हम उसको प्रोडक्ट दे, या हम कुछ लो क्वालिटीज का प्रोडक्ट हाई क्वालिटी हाई रेंज में बेच दे जिससे पैसे कमाना स्टार्ट कर दे। बहुत सारी कम पर्सन सिर्फ प्रॉफिट को देखकर फंस जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके कारण आने वाले टाइम में उसके प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो पाता, ड्यू टू हाई रेट ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के कारण उसके प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होते, जिसके कारण वो पर्सन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ऐसी कंपनीज के अंदर वो अपने आप को एक डाउनफॉल में ले जाते हैं। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होने के बाद आपको इनकम नहीं आने वाली। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर। प्रोडक्ट सेलिंग तब कंटिन्यू रहेगा जब आपका प्रोडक्ट की प्राइस स्पेसिफिक होगी, ओके। तो प्रॉफिट देखकर ज्वाइन कीजिए, प्रॉफिट के लालच में आके ज्वाइन मत कीजिए। ये देखिए कि प्राइस देखिए सबसे पहले कंपनीज के प्रोडक्ट की प्राइस अगर नॉर्मल है और फिर भी इनकम अच्छी खासी दे रही है देन ज्वाइन कीजिए, ओके। इतना नहीं कि ज़्यादा हाई इनकम को देखकर हम इनको ज्वाइन कर लिए, तो ये भी एक गलत चीज़ है। स्पेसिफिक प्राइस देखिए, आपकी प्रोडक्ट सेलिंग होगा तभी तो इनकम आएंगी। आप 10 प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो हाई रेट एक्सपेंसिव प्राइस में, उसे बढ़िया है आप एक नॉर्मल रेट वाले कंपनीज के अंदर ज्वाइन करो कि आप 1000 प्रोडक्ट सेलिंग करो जिसमें कस्टमर सेटिस्फाइड हो और आप भी सेटिस्फाइड हो अपने इनकम को लेकर। तो ऑफकोर्स प्रॉफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट को देखकर ज्वाइन मत करो। प्रॉफिट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, किसी कस्टमर को सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉफिट देखिए, लेकिन उससे पहले आप प्रोडक्ट देखिए, क्वालिटीज़ देखिए कि इस प्रोडक्ट को कितना में बेचा जा रहा है और प्रॉफिट कैसे दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। एंड थर्ड पीज हम समझ चुके हैं, वो है हमारा प्रॉफिट। पहला पी था हमारा प्रोडक्ट, दूसरा पी था हमारा प्राइस, तीसरा पी था हमारा प्रॉफिट, एंड फोर्थ पी हमारा प्लान। प्लान किसी भी कंपनीज के अंदर आप देखिए, जाकर उसके ट्रेनिंग सेशन देखिए, ट्रेनिंग सेशन के अंदर बताए जाते हैं
एजुकेटेड ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए एंड वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सभी पर्सन कल्चरेबल्स होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आपको जो प्लान होती है उसके अंदर बताई जाती है। तो प्लान के अंदर दो चार प्लान मार्केट के अंदर बहुत प्रचलित है, जिसका नाम रेनबो लाइन सिस्टम एंड रेनबो लाइन प्लान, जो कि मार्केट में शुरुआत में एम्बे कंपनीज के अंदर था, जो कि धीरे 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 अपग्रेड होते 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 वो इलीगल टाइप से एंड बैन हो गई। देन उसके बाद रेनबो, इसके बाद बैन रिबलेंस सिस्टम आया, बहुत तेज़ी से चली, क्योंकि पेयर मैचिंग एंड जिसको हम बोलते पिरामिड स्कीम, इसके ऊपर पेयर मैच करनी पड़ती है लेफ्ट राइट, तब आपको इनकम आता है। बहुत टर्म एंड कंडीशन होती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं है टर्म एंड कंडीशन के ऊपर चलने वाला, ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ प्रोडक्ट सेलिंग हो और भाई इनकम कमाओ, ये होती है। प्रोडक्ट सेलिंग करो, आप दो रुपये प्रोडक्ट सेलिंग करो, आप दो रुपये का इनकम आनी चाहिए विदाउट टर्म एंड कंडीशन, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट। तो तीसरा जो प्लान है, सबसे मोस्ट परफेक्ट, जिस प्लान के ऊपर शायद मैं भी आज काम कर रहा हूँ और मेरी इंडस्ट्रीज़ भी काम कर रही है, मैं लास्ट में बता के जाऊँगा कौन सी इंडस्ट्रीज़ क्या किस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। रेसलिंग इंडस्ट्रीज़ फोर्थ थर्ड जो मैंने बताया बताने जा रहा हूँ वो है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान की मतलब ये होती है कि किसी कंपनी के अंदर आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो, चाहे आपके टीम के द्वारा हो या आपके द्वारा हो, अगर प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है तभी आप इनकम जनरेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देन बात की जाए, सपोज एग्जांपल एक कंपनीज है, उसके कुछ फ्रेंचाइज है मुंबई के अंदर, बेंगलोर के अंदर, चेन्नई के अंदर और हर एक जगह दुनिया के हर एक कोने में, इंडिया के हर एक कोने में चार पांच जगह उसके ब्रांचेज हैं। अब सपोज करो कि एक कंपनी है, कंपनी ब्रांच चेन्नई के अंदर है, बेंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर, तीन जगह है, और वो कंपनी है दिल्ली, दिल्ली में, राइट। अब वो तीन जगह उसके ब्रांचेज है और उसका जो हेड ब्रांच है वो एक महीने के लिए क्लोज है। अब ये तीन ब्रांच जो है मुंबई के अंदर, बेंगलोर के अंदर, चेन्नई के अंदर, इन सभी जगह उनके फ्रेंचाइज के द्वारा प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है, तो क्या उस कंपनी को इनकम बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है? होने वाला है, इसको बोलते हैं जनरेशन प्लान। कोई एक ब्रांच के द्वारा भी प्रोडक्ट सेलिंग होती है तो उसको भी इनकम आएगा, दूसरे ब्रांच के द्वारा ही प्रोडक्ट सेलिंग होती है तो इनकम आएगा, या तीन ब्रांचेस कुछ महीने के लिए बंद है, छुट्टी पे है, तो उसके हेडक्वार्टर से जो इनकम प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है उससे भी उसको इनकम आएगी, मतलब खुद के द्वारा या उसके फ्रेंचाइज के द्वारा प्रोडक्ट सेलिंग होने के बाद उसको इनकम आती है, उसको भी एक जनरेशन प्लान के अंदर ही समझा जा सकता है। यही मॉडल है एक फ्रेंचाइज मार्केट का, सोचा समझा, एंड अलग मॉडल जो होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। फ्रेंचाइज मॉडल की एक अलग परिभाषा के अंदर अलग तरह से बोला जाए, फ्रेंचाइज मॉडल का ही एक अलग रूप है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जनरेशन प्लान इज़ गुड क्योंकि सेम मार्केट के अंदर सभी फ्रेंचाइज उसके ऊपर ही काम कर रही है, सारी इंडस्ट्रीज उसके ऊपर काम कर रही है कि आपके टीम के द्वारा या आपके द्वारा प्रोडक्ट सेलिंग होने के बाद आपको इनकम आए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, एक लीगल प्लान जिसके ऊपर आपको इनकम आपके काम के बदले मिल जाए, तुरंत इंस्टेंट मिल जाए और आपके खाते में जुड़ जाए, जो कि एक महीने बाद आए। कोई कंपनी 15 दिन के बाद देती है, कोई कंपनी वीकली इनकम देती है, कोई कंपनी मंथली इनकम देती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड फोर्थ वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिफ्थ वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाँचवा जो पी है हमारा वो है प्रमोशंस। उस ब्रांड की प्रमोशंस इन चार पी पे डिपेंड करता है, जो पहला है प्रोडक्ट, देन उसके बाद प्राइस एंड प्रॉफिट एंड प्लान। अगर बेस्ट है तो उनका प्रमोशन ऑटोमेटिक मार्केट अंदर बढ़ेगा, लोग कमाएंगे, लोग सक्सेसफुल बनेंगे, लोग बड़े बड़े अचीवमेंट करेंगे, तो ऑफ कोर्स उसके प्रमोशन काफ़ी जगह होने वाला है, ब्रांचेज ओपन होंगे एंड देन धीरे 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 उसके मैन पावर बढ़ते जाएंगे, फ्रेंचाइज के तरह उसके डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते जाएंगे, उनके बिजनेस एक्सपेंड होता जाएगा, धीरे धीरे उसके इनकम भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे और अपने ड्रीम को कम्प्लीट करेंगे, जिसके कारण उसका प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे कोई रिन्यू नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए अथॉरिटी मिलता है। आप किसी कंपनी से जुड़ते हो तो लाइफ टाइम के लिए हो, तो प्रमोशंस ऑल ओवर इंडिया के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर मिशन विजन यही होता है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फैले, तो ये देख ले कि कंपनी कितनी ब्रांचेज है वगैरह, हर एक चीज़ देखने के बाद बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 5P जितना भी मैंने बताया, अगर ये चीज़ें आप क्लियर देख रहे हो किसी कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी के अंदर जा रहे हो, उसके ट्रेनिंग सेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है और रियलिटी से आप उस चीज़ को देख रहे हो, तो ऑफकोर्स आप उस कंपनी के अंदर 5P, किसी भी कंपनी की 5 पिलर होती है, और ये पिलर अगर स्ट्रांग है, अगर आपको लग रहा है किसी कंपनी का 5P बहुत स्ट्रांग है, तो उस कंपनी के अंदर आप आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो, उस कंपनी के अंदर फ्यूचर आपका है, बशर्ते कि आप एक कंसेंट्रेसी के साथ, एक सेक्रीफाइस के साथ इनको करें और हार्ड वर्क करें और फुल एफर्ट लगाएं, कंसंट्रेट करें, ऑफकोर्स आपका फ्यूचर बनेगा। जी हाँ, तो ये था 5P, जिसके अंदर आप किसी भी आसानी से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस कंपनी को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट्स। दुनिया वाले बोलते रहेंगे डैट बहुत सारी कंपनीज को इसी की वजह से बंद होती है और लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ को ख़राब बोलते हैं,
हाँ डायरेक्शनिंग इंडस्ट्री खराब नहीं होती, उसके अंदर काम करने वाला सिस्टम, उस सिस्टम जो काम जिस सिस्टम पे वो डायरेक्शनिंग काम कर रही है, वो सिस्टम खराब हो सकता है, उस कंपनी के अंदर काम करने वाले पर्सन खराब हो सकते हैं। पिछली वीडियो में मैं बताया था क्यों कंपनी खराब नहीं होती, तो ऑफकोर्स आप ये आइडेंटिफाई करें और लेट्स ज्वाइन उस कंपनी के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जिस कंपनीज के 5P जितना मैंने बताया उतना अगर आप देख पा रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए बिगनर्स, एंड अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बिना किसी के सलाह के। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं बताना चाहूँगा, मैं अंकित कुमार हूँ, मैं इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। लगभग 3.5 साल प्लस हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर, और 3.5 साल की इस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ मैं देखा हूँ कि कंपनी खुद की ब्रांड है। 5P की बात की जाए तो मैंने शुरुआत में ही 5P की नॉलेज थी, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने 5P देखा है, और धीरे 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 कंपनीज डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और जिसके कारण आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग सभी स्टेट के अंदर लगभग लगभग सभी स्टेट के अंदर हमारे ब्रांचेस हमारी कंपनीज ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं और आगे बढ़ रहा है। इंडियाज फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आफ्टर लॉकडाउन, वन ऑफ द वनली इंटरनेशनल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बिकॉज ऑफ जनरेशन प्लान के ऊपर काम कर रही है, इसलिए इंडस्ट्रीज इतनी ग्रोथ कर रही है। तो आपका वेलकम है हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर, आप किसी भी जगह किसी भी सेंटर के अंदर कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनीज आपके साथ हमेशा 24 आवर्स सपोर्ट करती है, ये मेरा पर्सनल खुद का ओपिनियन है। और कंपनी के फाउंडर एंड इंटरनेशनल के MD मिस्टर MD मोहित जोशी जी, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, काफ़ी बेस्ट सपोर्टिव एंड हर एक चीज़ें आपको एज ए ग्राउंड लेवल पे आके समझाएंगे और आपकी फ्यूचर्स की परवाह करेंगे, बिकॉज इंटरनेशनल के अंदर कैरियर बनाया जाता है, कैरियर बिगाड़ा नहीं जाता। तो ऑफकोर्स बी केयरफुल दोज कंपनीज से जो कंपनी का 5P फॉलो नहीं होती है, पहले चीज़ ये देखो देन आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे वीडियोज़ को अगर आप फ्रेशर देख रहे होंगे जो डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, जो कि मुझे ऐसा लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर फ्यूचर बनाने के लिए लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं बनता। तो ऑफकोर्स आप सभी को मेरा एक मार्गदर्शन था, जिसके अंदर आपको अगर लगता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको फ्यूचर बनाना है तो आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डोंट वेट, ज्वाइन इंटरनेशिया एंड मेक फ्यूचर्स योर ब्राइट। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा कि सारी कंपनीज अच्छी है, बाकी उसके अंदर के सिस्टम को देखो, उसके पब्लिक्स को देखो, उसके कल्चर को देखो, हर एक चीज़ देखो, बहुत बेस्ट है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, मैं नेक्स्ट वीडियो में अब लगातार हर 2-3 दिन पे एक वीडियो आपके साथ हम पोस्ट करते जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग्स। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम क्यों ना हम आपको एजुकेट करें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर अपने फ्यूचर को बना लो और अपने फ्यूचर्स को संभालो, क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। अभी बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि आप इस बेरोजगार दुनिया के अंदर सभी पर्सन को रोजगार दे के भी अपना फ्यूचर बना सकते हो, एक अच्छा खासा पैसिव इनकम कमा सकते हो। लेकिन मेरा वीडियो पहला था पैसिव इनकम के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें, उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा वीडियो, आप देख सकते हो। बाकी इस चैनल पर न्यू आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जिससे पॉजिटिविटी फैलेगी और सभी इंडियंस रोजगार बनेगा, सभी इंडियन खुद के ऊपर डिपेंड बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा एंड अपने लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएगा, इंडियन प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करें और आगे बढ़ाएं। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।